ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए आज दिन भर का पुरुषार्थ आया। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते बातचीत करते डायरेक्शन देते उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति, अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा इशारा देते। आप बच्चे रूहानी सेवाधारी हो, आपके चेहरे चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो, आपकी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा रूहानियत प्रत्यक्ष हो, कर्म करते संबंध संपर्क में आते, हर आत्मा को अनुभव हो कि ये न्यारे हैं, ये प्यारे हैं। ऐसा आत्मिक आकर्षण प्रत्यक्ष हो कि हर आत्मा अपनी ओर आकर्षित होती जाए और हमारे संकल्प बोल और कर्म द्वारा उनकी सेवा होती रहे। हमारे मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, बेहद की सेवा वृत्ति हो। इसीलिए बाबा कहते आप बच्चों को भी चलता फिरता फरिश्ता बनना है, देह भान रहित अनुभव करना है, कर्म करते बातचीत करते डायरेक्शन देते जिस प्रकार ब्रह्मा बाप उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की झलक दिखाते थे, ऐसे ही फॉलो फादर हम बच्चों को भी करना है। देह में रहते देह भान से न्यारे देही अभिमानी होकर रहना, यही फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना और कराना है। जिसके लिए बाप दादा अटेंशन खिंचवाते, सदा उमंग उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। आप ब्राह्मणों के मुख से सदा उत्साह दिलाने वाले बोल ही निकलने चाहिए। भल कोई कैसी भी आत्मा हो, आपका काम है सबको उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो आप उसे उत्साह में नचा दो। बाप दादा बच्चों से यही शुभ आशा रखते हैं कि बीती सो बीती कर निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त कर स्नेह और शक्ति दो। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और भी होंगी, लेकिन आप बच्चे सदा उत्साह में रहो और औरों को उत्साह दिलाते रहो, क्योंकि बाप आपके साथ है, कंबाइंड है। इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो, कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो और ब्रह्मा बाप समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करो। जिसके लिए बाप दादा अटेंशन खिंचवाते, आपकी दृष्टि वृत्ति और कृति से रूहानियत झलके। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे थे ऊंचा स्वयं परम आत्मा है।
आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है, स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी हो। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदली नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित आत्मा के संग में रहना, उनसे बातें करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्न चित नहीं, प्रसन्न चित रहना है। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी, नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नजर से वह प्रसन्नचित हो जाए, दिल की आशा पूर्ण हो जाए। आज कल विशेष दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती हैं, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे से सदा संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं होगी। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो ऐसे फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाप के समान दृष्टि, वृत्ति और कृति को धारण करने के लिए संकल्प करने के पहले ब्रह्मा बाप से वेरीफाई कराओ, फिर संकल्प करो। बोल में आने से पहले ब्रह्मा बाप से वेरीफाई कराओ, फिर वाणी में आओ। कर्म करने से पहले ब्रह्मा बाप के कर्म से चेक करो, फिर कर्म में आओ। क्योंकि बाबा की श्रीमत है, जब निराकारी स्थिति में स्थित रहते हो तो बाप समान बनो, पर जब साकार में होते हो तो साकारी ब्रह्मा बाप के संकल्प, बोल और कर्म को, दृष्टि, वृत्ति और कृति को फॉलो करो। उनके कदम पर कदम रख, ब्रह्मा बाप समान नंबर वन में आने का पुरुषार्थ करो। तो आज हम इसी अवस्था को योग अभ्यास द्वारा अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। देह भान से रहित, देह में स्थित फरिश्ता। मैं फरिश्ता पांच तत्वों से न्यारा। सूक्ष्म लाइट के शरीरधारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व
सर्व गुणों से भरपूर, संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप, ब्रह्मा बाप समान हूं। मैं फरिश्ता कर्म करते, साकार देह का आधार लेकर अपने आर्डर प्रमाण कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला, करावन हार पिता परमात्मा की स्मृति में रहे, करण हार निमित्त बन कर्म करने वाला, कर्म के बंधन से न्यारा फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता इस देह में अवतरित, परमार्थ सेवा के निमित्त आत्मा हूं। मैं फरिश्ता बाप दादा के दिल तख्त नसीन, बाप दादा की आज्ञा प्रमाण, संकल्प बोल और कर्म करने वाला, आज्ञाकारी बाबा का बच्चा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। अनुभव करें स्वयं को संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप में, उड़ चलें पांच तत्वों की दुनिया से ऊपर, आकाश मार्ग द्वारा विश्व भ्रमण पर, देखें बाप दादा को ऊपर सूक्ष्म वतन में, बाप दादा से बरसती दिव्य शक्तिशाली किरणों को,
स्वयं में समाते जाएं। और विश्व की एक एक आत्मा पर बरसाते जाएं। एक एक आत्मा की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करते जाएं। विश्व के कोने कोने का चक्कर लगाए। एक एक रोगी आत्मा को अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा निरोगी बनाए। भयभीत आत्माओं को, दिल शिकस्त आत्माओं को अपनी याद के बल द्वारा बल प्रदान करें। दिल शिकस्त आत्माओं में उमंग उत्साह भरें। अनुभव करें अपने सम्मुख विश्व की एक एक आत्मा को। और देते जाएं बाप दादा से प्राप्त दिव्य शक्तियों को। दिव्य गुणों को, ज्ञान प्रकाश को अब आ जाएं पुनः पांच तत्वों की देह में। समा जाएं पांच तत्वों की देह में प्रकृति सिंहासन पर। और अनुभव करें पांच तत्वों की देह में बाप दादा की शक्तियों को बिखरता हुआ। एक एक अंग को हल्का होता हुआ। स्वस्थ तरोताजा होता हुआ। अनुभव करें एक एक कर्मेंद्री को शीतल होता हुआ। हल्का लाइट माइट स्थिति का अनुभव करें। अनुभव करें मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। देह में रहते देहभान से न्यारा। देह के संबंधों से न्यारा।
विनाशी सुख सुविधाओं से न्यारा। सर्व आकर्षणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र फरिश्ता। अच्छा, कल सुबह 7 बजे नए पुरुषार्थ के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।